हेलो क्लास फिफ्थ। अब आज हम ईवीएस का सेकंड चैप्टर अ स्नेक चामल स्टोरी को समझेंगे। इसके कुछ मेन पॉइंट्स हैं। देखिए, अ स्नेक चामल स्टोरी, एक जो सपेरा होता है ये उसकी स्टोरी है, उसके बारे में बताया है। कालबेलिया आर पीपल हु मेक द स्नेक्स डांस बाय प्लेइंग द बीन। कालबेलिया क्या होते हैं? वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जो स्नेक डांस करवाते हैं। और किसके द्वारा करवाते हैं? बीन से करवाते हैं। उनके पास बीन होती है, आपने देखी होगी, उससे करवाते हैं। स्नेक चामर्स मूव फ्रॉम विलेज टू विलेज कैरिंग स्नेक्स इन बैम्बू बास्केट्स। स्नेक चामर्स जो होते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो क्या करते हैं? फ्रॉम विलेज टू विलेज जाते हैं, एक दूसरे विलेज जाते हैं, कैरिंग करते हैं। किस चीज़ को कैरिंग करते हैं? स्नेक्स को, इन बैम्बू बास्केट्स में, बांस की बनी जो टोकरी होती है उसमें वो कैरिंग करते हैं स्नेक्स को। सम स्नेक्स चामर्स कीप मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट। कुछ स्नेक चामर्स जो होते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो मेडिसिन रखते हैं जो प्लांट से बनी होती है, कलेक्ट करते हैं, और जंगलों से जो मिलती है उनको वो रखते हैं, जड़ी बूटी टाइप की। स्नेक चामर्स कुड क्योर पीपल बिटन बाय स्नेक एंड कुड रिमूव पॉइजनस टीथ फंग्स ऑन द स्नेक्स। स्नेक चामर्स जो सपेरे हैं, वो जो सांप से, जब किसी को सांप काट लेता है जो अपने दांतों से, जो फंग से उसमें जहर भर देता है, स्नेक चामर्स उसको भी क्योर करने का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस। सारे स्नेक्स क्या होते हैं? पॉइजनस नहीं होते हैं, जहरीले नहीं होते हैं, कुछ होते हैं उसमें से। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच वाइल्ड एनिमल्स एंड कीप दैम। गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है, एक नियम बनाया है कि कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को मार नहीं सकता, पकड़ नहीं सकता, और उसको अपने पास भी नहीं रख सकता। सम पीपल किल एनिमल्स एंड सेल देयर स्किन्स एट हाई प्राइसेस। कुछ एनिमल्स क्या करते हैं? कुछ पीपल यानी कुछ लोग किल द एनिमल्स, एनिमल्स को मारते हैं, एंड सेल देयर स्किन्स, और उनकी जो स्किन्स है, उनकी जो त्वचा है उसको बेचते हैं, उनकी जो खाल है, ठीक है, उसको बेचते हैं एट हाई प्राइसेस में, बहुत ज़्यादा प्राइसेस में बेचते हैं। सो दे मेड अ लॉ अगेंस्ट दिस, जो कि क्या है? लॉ के अगेंस्ट है, ठीक है, ये काम करना क्या है? लॉ के अगेंस्ट है, नहीं कर सकते ये काम। मैनी कम्युनिटीज़ विच डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर दियर लाइवलीहुड हैज़ लॉस्ट दियर ट्रेडिशनल सोर्सेज ऑफ लाइवलीहुड एंड आर स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल बिकॉज ऑफ दिस लॉज। अब क्या है, बहुत सारी कम्युनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो एनिमल्स पर डिपेंड रहती है, ठीक है, उनकी लाइफ कैसे चलती है? एनिमल्स से ही चलती है। हैज़ लॉस्ट दियर ट्रेडिशनल सोर्सेज, और वो अपने जो ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं वो खो चुके हैं। अब उनकी लाइफ किस पर डिपेंड हो गई है? एनिमल्स पर डिपेंड हो गई है। लेकिन जो ये लॉ बनाया है गवर्नमेंट ने, इस लॉ के कारण उनको क्या करना पड़ता है? बहुत स्ट्रगलिंग और सर्वाइवल करना पड़ता है। कालबेलिया डांस हैव मूमेंट्स सिमिलर टू द डांस ऑफ द स्नेक। जो कालबेलिया डांस होता है वो बिल्कुल स्नेक डांस के सिमिलर होता है, ठीक है। स्नेक चामर्स कैन शेयर दियर नॉलेज अबाउट स्नेक्स विद चिल्ड्रन हु लिव इन टाउन्स एंड सिटीज़। अब स्नेक चामर्स जो होते हैं, जो सपेरे होते हैं, वो अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं। किसके साथ शेयर करते हैं? बच्चों के साथ शेयर करते हैं जो कि शहरों और शहरों में रहते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो प्ले द बीन टू एंटरटेन पीपल। वो बीन से लोगों को क्या करते हैं? एंटरटेन भी करते हैं। स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर्स। जो सांप होते हैं वो किसानों के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। स्नेक्स आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। दे ईट द रेट्स इन द फील्ड। क्योंकि क्यों होते हैं वो अच्छे फ्रेंड्स? क्योंकि वो जो फार्मर्स की फ्रेंड होते हैं, इसलिए होते हैं क्योंकि वो फील्ड में जो रेट्स होते हैं, चूहे होते हैं, उन्हें खाते हैं। अदरवाइज रेट्स वुड ईट द क्रॉप्स। अगर वो चूहों को नहीं खाएंगे तो चूहे क्या करेंगे? क्रॉप्स को खा जाएंगे। ओनली फोर टाइप्स ऑफ स्नेक आर पॉइजनस। चार टाइप के स्नेक्स हैं जो पॉइजनस होते हैं। उनमें एक कोबरा है, कॉमन क्रेट है, रशल वाइपर है, सॉ स्केल्ड है। चार टाइप के स्नेक्स बहुत ही पॉइजनस हैं, कोबरा, कॉमन क्रेट, रशल वाइपर, जिसको हम दुबैया भी बोलते हैं,
और सॉ स्केल वाइपर, यानी को अफाई भी बोलते हैं। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट्स। द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। देयर इज़ अ मेडिसिन फॉर स्नेक बाइट, जब इसकी मेडिसिन भी है स्नेक बाइट्स की, जब स्नेक बाइट करता है तो उसके लिए एक मेडिसिन बनाई जाती है जो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, इसको हम सीरम बोलते हैं। और ये द मेडिसिन इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन, स्नेक के पॉइजन से ही बनाई जाती है एंड इज़ अवेलेबल इन ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। और ये सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्या होती है, अवेलेबल है। थैंक यू क्लास।